कुछ ही दिनों में मकर संक्रांति भी आने वाली है और पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके से तिल गुड़ के लड्डू भी बनाए जाते हैं। आज मैं आपको ये तिल गुड़ के लड्डू की रेसिपी बना के दिखा रही हूँ। ये रेसिपी दूसरी रेसिपी से थोड़ी अलग है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तिल सेक करके उनको पीसा भी है। इसकी वजह से लड्डुओं के अंदर बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है और लास्ट में मैंने एक सीक्रेट चीज भी डाली है, उसकी वजह से लड्डू बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से बनाते हैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू। मेरा नाम है कला और खाने की कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लड्डू बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया 50 ml दूध, आधा किलो तिल, सौ एम एल घी और 300 ग्राम गुड़। तो सबसे पहले गैस पे चढ़ा देंगे एक पैन और उसके अंदर हम हमारे सारे तिल को अच्छे से सेक लेंगे। तिल को यहाँ हमें अच्छे से सेकना जरूरी है, क्योंकि अगर तिल को अच्छे से नहीं सेकेंगे तो हमारे लड्डुओं के अंदर कड़कपन नहीं आएगा। तो तिल को हम यहाँ अच्छे से सेकेंगे। तिल को यहाँ हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे जब तक इसमें चिड़चिड़ की आवाज़ नहीं आती। तिल को सर्दियों में खाने के तो बहुत से फायदे हैं, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है, कॉन्स्टिपेशन कम करता है और आपका पाचन भी बढ़ाता है, और सर्दियों में आपको गर्म रखने का काम तो ये करता ही है। और जब हम तिल के लड्डू बना के खाते हैं, मतलब तिल और गुड़ एक साथ खाते हैं, तो ये जोड़ों का दर्द कम करता है और साथ के साथ इसमें विटामिन B12 भी भरपूर होता है। और ये देखिए इसमें से आवाजें भी आने लग गई है, मतलब जो हमारे तिल है अच्छे से सिक गए हैं। अब गैस को कर देंगे बंद। सबसे पहले इसमें से थोड़े से तिल अलग से निकाल लेंगे और उसको ग्राइंडर की मदद से दरदरा पीस लेंगे और बाकी तिल को हम साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए मैंने इसको दरदरा पीस लिया है। ये दरदरा पाउडर ही हमारे लड्डुओं में बाइंडिंग का काम करेंगे। तो अब हम सबसे पहले गुड़ की चाशनी बना लेते हैं और यहाँ मैं डाल दूंगी हमारा सारा घी और इसी के अंदर मैं यहाँ डाल दूंगी हमारा सारा गुड़। और ये देखिए कुछ ही सेकंडों में हमारा गुड़ पिघलने लग गया है। बस अब हम इसे गाढ़ी चाशनी बना लेंगे। और ये देखिए गुड़ की गाढ़ी सी चाशनी तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह की, तो बस ये एकदम परफेक्ट लग रही है मेरे को। बस अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना। मैं यहाँ थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। दूध की वजह से जो हमारे लड्डू है एकदम सॉफ्ट बनते हैं और कड़क नहीं होते हैं। तो बस थोड़ा सा दूध डाल के इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारी चाशनी एकदम तैयार है। अब बस गैस को कर देंगे बंद। यहाँ पे मैं डाल दूंगी हमारा दरदरा पिसा हुआ तिल और सारे जो हमने तिल सेके थे वो सारे हम यहीं पर डाल देंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, अब आपको सारा काम फटाफट करना है, क्योंकि गुड़ अगर वापस कड़क हो गया तो हम इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे। सभी चीजों को जल्दी से अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए अच्छे से मिल गया है। देखिए अपना आप जुड़ने लग गया है। बस अब हमें कुछ नहीं करना, हाथ में लगा लेंगे थोड़ा सा घी और इनके लड्डू तैयार कर लेंगे। ये लड्डू बनाने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे होंगे और इतने सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं इन लड्डुओं के। ये देखिए कितना परफेक्ट बना है ये लड्डू। और इसी तरीके से हम हमारे सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। तो अब मकर संक्रांति भी आ रही है और सर्दियां भी है, तो एक बार मेरे तरीके से ये लड्डू जरूर बना के देखें। सच में 15 से 20 मिनट भी नहीं लगते इन लड्डुओं को बनाने में, तो एक बार इन्हें सर्दियों में जरूर बनाएं। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।